वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड रोचक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। जानकारी में हम लोग आज CFT के बारे में पढ़ेंगे। नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे, CFT बहुत ही पॉपुलर नाम है। जब भी हम लोग बालू या गिट्टी खरीदते हैं तो हम लोग की नापी जो होती है उस डाले की जो नापी होती है उसको हम लोग CFT में फाइनली रूप से निकालते हैं। उसका जो रेट होता है वो भी CFT में होता है। तो हम लोग जानेंगे आज कि CFT कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे CFT का फुल फॉर्म होगा क्यूबिक फुट। इसमें सिंबल होता है इसका FT3 या CUFT। इसमें हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक डाले का सिंबल दिखलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह आपका डाला है, इसमें बालू भरी हुई है। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस बालू को लकड़ी के सहायता से, हाथ की सहायता से आप सबसे पहले बराबर कर लेंगे इस तरह से। जब ये बराबर हो जाए तो यहाँ पे तीन चीज़ होती है। एक होती है डाले की लंबाई, जो ये लंबाई कहलाएगी। अंदर से हम लोग लंबाई को नाप लेंगे। ये दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो चौड़ाई कहलाएगी, और एक होगी इसकी गहराई। तो गहराई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि या तो आप रड की सहायता से गहराई को नाप लें, या नहीं तो जहाँ तक गहरी है, जहाँ तक बालू है, वहाँ पे हम लोग किसी चीज़ का निशान लगा देते हैं। इस तरह से निशान लगा देते हैं। निशान के बाद जब बालू खाली हो जाए फिर हम लोग गहराई को नाप सकते हैं। चारों तरफ आप निशान लगा सकते हैं। तो इस निशान लगाने के बाद जब ये बालू खाली हो जाएगी तो इसमें कुछ लंबाई होगा, कुछ डाले की चौड़ाई होगी, उसकी गहराई होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि डाले की जो लंबाई है, मानते हैं यहाँ पे कि लंबाई जो आपकी है वो लंबाई 6 फीट 2 इंच है। ध्यान देंगे, फीट में एक निशान होता है और इंच में दो होता है। मान लेते हैं आपका चौड़ाई जो है वो 4 फीट 6 इंच है। अब यहाँ से हम लोग गहराई माप लेते हैं। गहराई भी कुछ होगा, ऊपर से नापेंगे तो गहराई कहेंगे, नीचे से नापेंगे तो उसको मतलब ऊंचाई कहेंगे। तो ऊंचाई बताइए या गहराई बताइए, दोनों एक ही होगा। ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग कि ऊंचाई जो आपका 2 फीट 6 इंच है। ध्यान देंगे, तीन यहाँ पे इसको हम लोग नापे हैं तो आपकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है, मान लेते हैं चौड़ाई 4 फीट 6 इंच है और ऊंचाई 2 फीट 6 इंच है। अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या तो सबसे पहले हम लोग जो भी आपको फीट और इंच में है सबको आपको एक जैसा करना पड़ेगा। या तो सबको आप फीट में कर दीजिए, या नहीं तो सबको हम लोग इंच में कर देंगे। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। उससे पहले जानकारी आपको होनी चाहिए कि इंच जो होता है और फीट, 12 इंच का एक फीट होता है, 12 इंच में एक फीट, या हम लोग कह सकते हैं एक फीट में 12 इंच। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जो भी दिया हुआ है सबको हम लोग फीट में बदलते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 फीट, ध्यान दीजिएगा 6 फीट पहले से है और 2 इंच, 2 इंच में कितना फीट होगा। तो आप जब भी इंच से फीट में बदलिएगा तो उसको आप 12 से भाग करना पड़ेगा। 12 से क्यों भाग करना पड़ेगा, क्योंकि फीट जो होता है यहाँ पे वो आपका फीट जो होगा 12 इंच में एक फीट होता है। तो हम लोग 12 से भाग कर देंगे। 12 से जैसे ही से भाग कीजिएगा तो ये इस तरह से कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, या आपका हो जाएगा 1 में। जैसे ही आप 6 से भाग कीजिएगा तो 0.6 बचेगा 4 7 6 इतना आएगा, ठीक है। ये आपका ये जो दिख रहा था 2 इंच,
उसको जब फीट में बदलेंगे तो 0.16 आएगा फीट। अब पहले से कितना फीट है, 6 फीट है, इसे जब ये फीट और इस फीट को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6.16 फीट, ये आपका फीट में आ गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 फीट पहले से है और 6 इंची को जब फीट बदलेंगे तो आपको पता होगा कि 12 इंची का 1 फुट होता है, तो 6 इंच में कितने फीट होंगे, आधा फीट होगा, बहुत ही सिंपल है ये। तो हम लोग आधा को कैसे लिखते हैं, 1/2 दशमलव में बदलेंगे 0.5 होगा, तो 0.5 फीट यानी कि आधा फीट, और 4 फीट मतलब कितना हो जाएगा, 4.5 फीट, तो 4.5 फीट हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 फीट पहले से है और ये कितना है, 6 इंच है, 6 इंच मतलब आधा फीट, तो 2 फीट और आधा फीट कितना हो जाएगा आपका, 2.5 फीट, 2.5 कैसे लिखते हैं, 2.5 फीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो भी फीट और इंच में दिया हुआ था सबको हम लोग किसने बदल लिए हैं, फीट में बदल लिए हैं। बहुत ही आसान है ये, बहुत आसानी से बताया जा रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको जब भी हम सिंबल दिखलाए थे, डाला जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है, लंबाई होती है उसमें, चौड़ाई होती है उसमें, और उसकी गहराई होती है, इसलिए उसका हम लोग वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल लीजिए, आयतन निकालिएगा, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लिखिए, लंबाई आपका कितना है, 6.16 गुना चौड़ाई आपका कितना है, 4.5 गुना आपकी ऊंचाई कितनी है, 2.5 है। अब यहाँ तीनों को हम आपस में गुना करेंगे, तीनों को जैसे ही आपस में गुना कीजिएगा आप, तो आपका निकल के आ जाएगा, गुना हो के आ जाएगा 69.3, यही आपका CFT कहलाएगा, यही आपका हो जाएगा आपका FT3, यह क्या कहलाएगा आपका, CFT कहलाएगा, आसानी से निकल गया। अब हमें मान लेते हैं कि एक CFT, एक CFT का दाम जो है वो 20 रुपया, मान लेते हैं ऐसा, तो मान लेते हैं यहाँ पे, चूँकि मान लेते हैं एक FT3 सिंबल है CFT का, बराबर कितना रुपया, मान लेते हैं 20 रुपया, एक CFT का दाम कितना है, 20 रुपया, तो हमसे कहा जाएगा 69.3 CFT का दाम कितना होगा, तो हम इसीलिए क्या निकालेंगे हम लोग, 69.3 CFT यानी कि FT3 बराबर कितना हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, तो 20 गुना में हो जाएगा 69 × 3, गुना कीजिएगा तो 0 2 3 6 2 9 18 8 2 6 12 1 13, यहाँ से आप दशमलव के बाद 0 बैठा दीजिए, 1 अंक बाद दशमलव का 0 कैंसिल, 1386 रुपया, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि बहुत ही आसानी से ये निकल गया। एक और तरीका है इसको निकालने का, या तो आप ये जो फीट दिख रहा, फीट जो दिख रहा था, इसको हम लोग CFT इंच में ले जाएंगे, तो इंच में ला के जैसे ही यहाँ आयतन करेंगे तो हमें 1728 से भाग करना पड़ेगा। 1728 कहाँ से आएगा, वही 12 से जो हम भाग कर रहे थे, तो 3 बार हमने 12 से भाग किया, इसमें 2 में किया, 6 में किया और 6 में किया, तो यहाँ पे जब 3 12 लिखिएगा, 12 गुना 12 गुना 12, 1728 आएगा, वो आप निकाल सकते हैं सबको इंच में बदल के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अब कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको CFT निकालने में, बालू गिट्टी नापने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।